वक्त की गर्दिशों का गम न करो, हौसले मुश्किलों में ही पलते हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। हौसला अपना बुलंद कर लो, साहस व हिम्मत को संग कर लो, निर्भय होकर आत्मविश्वास से बढ़ो, संयम व धैर्य से मंजिल प्राप्त कर लो। जी हां, मुसीबत हर एक के जीवन में आती है, धैर्य से उसका सामना करें। नमस्कार साथियों, मैं मधुर चितलांगिया, आपका शुभचिंतक, आपका दोस्त, एक लेखक। बहुत बार जीवन में ऐसी समस्याएं आती है जिनका सामना करने से हम भुचकते हैं, जबकि वे ऐसी समस्याएं होती है जिनका सामना और समाधान समय पर छोड़ने से नहीं हो सकता है, बल्कि उसे एक ना एक दिन निपटाना जरूरी होता है। हम उस समस्या से दूर भागते हैं और सोचते हैं कि वह हमारा पीछा छोड़ देगी, पर वह समस्या जब याद आती है तो हमें बहुत परेशान कर देती है। हमें एक स्वामी जी ने एक प्रवचन में बताया, हमें क्या करना चाहिए, इस पर मैं एक भैंस के पाड़े की कहानी सुनाता हूँ। एक जंगली भैंस का बच्चा जब कुछ बड़ा हुआ तो अपने झुंड के साथ पहली बार अपने सुरक्षित स्थान से घने जंगल के अंदर गया। उसने देखा कि उसके झुंड में एक से एक शक्तिशाली वन भैंसे हैं। अपने को बेहद मजबूत महसूस करते हुए वह अपने पिता से पूछने लगा, हम सुरक्षित स्थान में क्यों रहते हैं? हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? पिता भैंस ने जवाब दिया, हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या शेर होता है, वह हमें जान से मार सकता है। तब पाड़े ने कहा, यदि शेर सामने आए तो मैं बहुत तेज भागकर अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाऊंगा, वह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। पिता भैंस ने कहा, यह तो बहुत ही गलत बात होगी, शेर तुम्हें पीछे से दबोचकर मार देगा। ऐसी मुसीबत के वक्त तुम्हें शेर की आंख से आंख मिलाकर नथुने फुलाना चाहिए, अपने पैर पटकना चाहिए, और शेर यदि आगे बढ़ने की कोशिश करे तो खुद जोर से उसे सिंह से मारना चाहिए। ऐसे में शेर खुद घबराकर भाग जाता है। केवल ऐसे ही बच सकते हो, वरना पीठ दिखाने से अवश्य मारे जाओगे। फिर उसके पिता भैंस ने पूछा कि चारों तरफ तुमको क्या दिख रहा है? पाड़ा बोला, ताकतवर वन भैंसों का झुंड। पिता ने कहा कि फिर हम सब भी तो तुम्हारे साथ हैं, पर कभी अकेले रहे तो मुसीबत का नीडर होकर ही सामना करना चाहिए। स्वामी जी की यह बात मुझे बहुत अद्भुत लगी। साथियों, जीवन में अनेक छोटी बड़ी समस्या आ सकती हैं। उनका सामना करने के लिए हमारे प्रियजन, हमारे साथी और हमारे दोस्त हमेशा हमारे मददगार होते, परंतु कभी समस्या का खुद को सामना करना पड़े तो निडर होकर उससे लड़े, भागे नहीं। यह बात आपको मुसीबत में हिम्मत बनाए रखने की प्रेरणा दे। यही मेरी सद्भावना, यही मेरी शुभकामना।